था और अब फाइनली हम अपनी गाड़ी की डिलीवरी दे रहे हैं। सो रिवीलिंग द कार इन 3, 2, 1। तो भाई जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि भाई मैं ले रहा हूँ एक न्यू कार अपने पापा के लिए, तो फाइनली भाई आज वो दिन आ चुका है जब अपनी नई गाड़ी हम लेने जा रहे हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ जेजे ऑटोमोबाइल व्लॉग्स और मैं हूँ जितेश। तो भाई आज का जो दिन है वो है हमारा 30 नवंबर, और जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि भाई मैं बहुत जल्दी एक नई गाड़ी ले रहा हूँ, तो भाई आज हमारी गाड़ी का डिलीवरी है और हम जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी भाई मैं पोलो के अंदर जा रहा था, मेरे साथ विशाल भी है। विशाल क्या हाल है? बढ़िया भाई, बढ़िया। तो कितने देर का रास्ता दिखा रहा है अगर मैं आपसे बताना? 26 मिनट। तो भाई 26 मिनट्स का यहाँ से रास्ता है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया भाई TR सानी से हम ले रहे थे, मतलब मारुति सुजुकी अरीना की हम गाड़ी ले रहे हैं और पापा के लिए वो गाड़ी ले रहे हैं। तो अभी मैं और विशाल और वहाँ पे अभिषेक भी आएगा, तो हम तीनों जा रहे हैं। अभी पता है क्या हुआ, अभी थोड़ा सा इतना बिजी चल रहे थे हम, तो हमने ना अभी तक गाड़ी की PDI भी नहीं करी थी। तो मैंने कंपनी वालों को बोल दिया था कि भाई जब तक मैं ना हूँ गाड़ी को रजिस्टर मत करना, पहले मैं गाड़ी की PDI करूंगा। जिन लोगों को नहीं पता भाई, होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। बहुत सी चीजें चेक करनी पड़ती है कि गाड़ी ज्यादा किलोमीटर तो नहीं चली हुई, कोई पैनल पेंटेड तो नहीं है या कोई टायर खराब तो नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कब की है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं वो गाड़ी के ना चेक करने पड़ते हैं। तो आप भी जब भी नई गाड़ी लो तो भाई PDI जरूर करना। तो अभी हम शोरूम में जा रहे हैं, लगभग 26 मिनट का रास्ता है। वहां जाके भाई मैं देखता हूँ गाड़ी चूरी चेक करता हूँ और फिर पापा मम्मी वगैरह को सबको बुला लेंगे, क्योंकि मैंने यही बोला था कि मैं पहले जाके पूरी गाड़ी चेक कर लेता हूँ वरना आप लोग बोर हो जाओगे और कुछ हमारी फॉर्मेलिटीज भी रह गई है तो वो भी कंप्लीट करनी है। तो फटाफट एक बार शोरूम पहुंचता हूँ और जो फॉर्मेलिटीज वगैरह वो सब कंप्लीट करता हूँ और आप लोगों को हिंट देता रहूंगा भाई कौन सी गाड़ी है। तब तक आप लोग भाई कमेंट कर दो फटाफट अभी की कौन सी गाड़ी हो सकती है। तो भाई फटाफट चलते हैं एक बार शोरूम में अपनी पोलो के अंदर। एग्जॉस्ट भी ऑन कर देता हूँ मैं, इसका एग्जॉस्ट का भाई अलग ही मजा है। तो पहुंचते हैं शोरूम भाई और फिर करते हैं अपनी बाकी की बातें। तो भाई एग्जॉस्ट वाली गाड़ी में ना सबसे ज्यादा मजा आता है टनल में। अलग ही भाई एको आती है। तो भाई अब लगभग से 15 मिनट का रास्ता रह गया, तो पहुंचते हैं भाई फटाफट शोरूम। तो भाई फाइनली हम अपने शोरूम पहुंच चुके हैं और भाई ये रहा अपना शोरूम जहाँ से हम अपनी गाड़ी लेने वाले हैं। ये रहा अपना मारुति सुजुकी और यहाँ पे भाई अभिषेक भाई भी आ गए, उनकी गाड़ी ये रही, देखो निकल चुके हैं। ये रहे यही है शख्स, यही वाला शख्स यही है। तो भाई गाड़ी एक बारी पार्क कर लेते हैं और देखो बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, इनमें से कोई सी भी हो सकती है अपनी। देखो सारे तैयार, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये मेरे को तो ये लग रहा पापा ने चलानी है ना, कोई भी हो सकती है, ये लग रही है वाली। तो भाई एक बार अंदर पहुंचता हूँ और एक बार फॉर्मेलिटीज वगैरह करता हूँ और फिर दिखाते हैं भाई आपको। तो भाई शोरूम पे पहुंच चुके हो और इन चार गाड़ियों में से भाई हमारी कोई गाड़ी है अपनी, या तो ये हो सकती है या ये है या ये ब्रीजा है या ये अपनी ये डिजायर है। तो PDI भाई मैंने गाड़ी की कर ली है, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटी रह गई है अपनी, कुछ पेमेंट रह गई थी छोटी सी, वो पेमेंट देनी है। PDI वगैरह हर चीज़ कर ली है, गाड़ी बिल्कुल ओके है। जो चीज़ें मुझे चेक करनी थी कि भाई गाड़ी किलोमीटर ज़्यादा तो नहीं चले हुए, टायर बिल्कुल ठीक है, कोई पैनल पेंटेड तो नहीं है या कोई पार्ट चेंज तो नहीं लग रहा, सब कुछ बिल्कुल ओके है। PDI में बिल्कुल 100% एक्यूरेसी आ चुकी है, बस अब रह गई कुछ पेपर वर्क और साथ में पेमेंट, तो वो करते हैं और उसके बाद भाई सीधा करेंगे गाड़ी रिवील। घर वाले भी निकल चुके हैं भाई, वो भी रास्ते में आ रहे हैं, तो इधर मैं पेपर वर्क वगैरह सारा कुछ कंप्लीट कर लूँगा और जैसे ही वो आते हैं भाई फिर लेते हैं अपनी फाइनल कार की डिलीवरी और रिवील करते हैं भाई कौन सी हम नई गाड़ी ले रहे हैं। तो भाई डॉक्यूमेंटेशन सारे कंप्लीट हो गए थे, तो कहा था एक छोटी सी पेमेंट रही थी 24,000 रुपये की, वो भैया को पे करने थे और फाइनल हो चुका है सब कुछ, तो ये भी कर दिए हैं भैया को पे और इसके रिसिप्ट वगैरह सब कुछ आनी है और सीधा भाई अब मिलेगी गाड़ी की डिलीवरी। लगभग 1 बज गए हैं और फटाफट चलते हैं और लेते हैं भाई डिलीवरी ऊपर। फॉर्मेलिटी हो चुकी है, सब पेपर वर्क हो चुका है और अब फाइनली हम अपनी गाड़ी की डिलीवरी ले रहे हैं। सो रिवीलिंग द कार इन 3, 2, 1। भाई आ गई है हमारी न्यू गाड़ी जो पापा ड्राइव करेंगे, पापा की गाड़ी है भाई, हम ज्यादा इसमें कुछ छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, पापा के पास ही गाड़ी रहने वाली है। गाड़ी कैसी लग रही है गाड़ी, जरा बनाओ पहले। इसे भाई केक काटना है, इसे गाड़ी से मतलब नहीं, कह रहा केक काटूंगा। अच्छा काट दो केक, आओ केक काटो, चलो You had time, we'd be perfect together.
you hurt me so much that I had to leave you. Girl, I forgot you better. We'll be perfect together. But you hurt me so much. तो भाई डिलीवरी देके निकल चुके हैं, अब गाड़ी का जो है पेट्रोल फुल करवा रहे हैं। बाकी भाई अपनी होंडा येरी, अपनी पोलो येरी और दूसरी वाली पोलो येरी, तो सारी गाड़ियां भाई आई हुई थी आज अपनी नई गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए। तो वापसी भाई हमारी चार गाड़ियां हो चुकी है और उसका बस पेट्रोल फुल होने वाला है। फुल होके अब घर जा रहे हैं और घर जाके पूजा वगैरह करवाते हैं और फिर देखते हैं भाई आगे जैसा होता है। तो भाई घर पहुँच चुके हैं और अब गाड़ी की पूजा करवा रहे हैं। तो यहाँ पे भाई जो हमारा हिंदू उसका रिचुअल चलता है सत्या करना गाड़ी पे, वो चल रहा है। और जो भी भाई रिचुअल्स होते हैं मुझे इतना नहीं पता, वो सब चल रहा है। बाकी बहनें कर रही हैं और भाई बस बहुत बढ़िया लग रहा है, गाड़ी आ चुकी है हमारी, अब तैयार करेंगे। इसका एक डिटेल रिव्यू मैं बहुत जल्दी आप लोगों के चैनल पे लेके आऊँगा कि बेस मॉडल में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं या क्या क्या हमें इसमें चीज़ें लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्या चीज़ थी, तो सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो एक बारी पूजा उन्हें देते हैं और उसके बाद फिर गाड़ी के अंदर भी चलेंगे और थोड़ा बहुत जो है वो भी आप लोगों को गाड़ी के अंदर का जो रिव्यू मैं देता हूँ। तो भाई अब मैं प्रॉपर ड्राइविंग सीट पे आ चुका हूँ। विशाल कैसी लग रही है गाड़ी? परफेक्ट है भाई। सबसे पहली मॉडिफिकेशन क्या करानी है बता? एलॉयज लगने हैं। बिल्कुल। तो भाई इस गाड़ी के अंदर ना स्टीरियो वगैरह स्पीकर वगैरह कुछ भी नहीं आते हैं, तो अंदर से भी मेन मेन इसमें स्टीयरिंग कंट्रोल, स्टीरियो, स्पीकर्स और सबसे मेन चीज बाहर से भाई एलॉय व्हील्स तो जरूर लगाने हैं। बाकी गियर नॉब बड़ी अच्छी सी है, इसमें दिखा देता हूँ, देखो टॉप मॉडल वाली गियर नॉब आती है भाई, वही है। और भाई गाड़ी काफी अच्छी, चलाने में काफी मजा आ रहा है। अभी बस मैं एक राउंड मार के आया था और जबरदस्त है। बाकी इंटीरियर भी थोड़ा बहुत इसमें काम कराएंगे, बहुत जल्दी भाई इसके अंदर एलॉय भी लगा देंगे और बहुत सारा काम करेंगे। तो अगर चैनल पे नए हो या आप एक ब्रीजा एलेक्सा ही प्लान कर रहे हो लेने के लिए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेने, क्योंकि इस गाड़ी से रिलेटेड मैं कंटेंट लाने वाला हूं और बहुत सारी मॉडिफिकेशन जो एक एलेक्सा में रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बाकी इसका एक डिटेल्ड रिव्यू की गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं सब चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी बस आज का व्लॉग भाई यही था, आप लोगों के साथ एक हैप्पीनेस शेयर करनी थी कि हम भाई एक नई गाड़ी ला चुके हैं और भाई बड़ा मजा आ रहा है। एक आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत से लोग पूछेंगे भाई ये गाड़ी जो मुझे पड़ी है वो पड़ी है 8,55,000 रुपए की, 9,55,000 रुपए की, 9,55,000 रुपए की गाड़ी पड़ी है मुझे ऑन रोड। इसके अंदर एक्सटेंडेड वारंटी और कुछ 10-15,000 रुपए की एसेसरीज थी, वो भी लेनी थी तो वो भी हमने ले ली थी। अभी हमने लगवाई नहीं है, बट हम बाद में कंपनी से लगवा लेंगे। तो आई होप भाई आज की आप लोगों को अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छी लगे तो आपको पता ही है कि ना लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।